क्या शहनाज कौर गिल हॉस्पिटल में एडमिट है? उन्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से कई प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की बातें चल रही हैं। हालांकि हमने आपको लगातार बताया कि शहनाज धीरे धीरे सही हो रही हैं। उन्हें वक्त लगेगा क्योंकि उन्होंने जो खोया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। तो ऐसे में शहनाज की जो हालत हमने देखी थी उसके बाद शहनाज फैंस का परेशान होना लाजमी भी है। लेकिन शहनाज को ग्लूकोज चढ़ाया गया, वो एडमिट हुई है, इस तरह की खबरें जो है काफ़ी समय से लोगों को परेशान कर रही थी। लेकिन शहनाज और सिद्धार्थ के करीबी दोस्त ने अब इसका खुलासा किया है। केन फर्न्स जो कि शहनाज और सिद्धार्थ के स्टाइलिस्ट हैं, फैशन डिजाइनर हैं, टीवी इंडस्ट्री में वो एक बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसे में किसी ने उनके पोस्ट पर उनसे पूछा कि क्या शहनाज को ग्लूकोज चढ़ाया गया है, जिस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक बात तो तय है कि शहनाज को लेकर ये जो खबरें आ रही थी कि उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बात जो है सही नहीं है। वहीं हमने आपको बताया कि सिद्धार्थ के घर पर आज और कल जो है एक विशेष पूजा रखी गई है। 11 दिन हो चुके हैं। तो ऐसे में 11वें दिन, 12वें दिन और 13वें दिन जो है एक विशेष पूजा रखी गई है, जिसमें करीबियों को, रिश्तेदारों को बुलाया गया है। लेकिन शहनाज को लेकर लगातार काफ़ी समय से उनकी तबीयत को लेकर फैंस काफ़ी परेशान हैं। तो अब केन फर्न्स ने एक यूज़र को रिप्लाई करते हुए ये साफ साफ कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शहनाज को ग्लूकोज जो है नहीं चढ़ाया गया है। वहीं जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि शहनाज जो है धीरे धीरे सही हो रही है और काम पर लौटने को लेकर बात आ रही थी कि अक्टूबर तक वो नहीं लौटेंगी। हम आपको बता दें कि उन्होंने अपने काम को लेकर जो भी उनके प्रोजेक्ट साइन थे किसी से फिलहाल कोई कमिटमेंट या इंटरेक्शन नहीं की है। शहनाज जब सही हो जाएंगी उसके बाद ही वो इस तरीके से उस मूड में होंगी या उस माइंडसेट में होंगी कि इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सके। लेकिन फिलहाल जो है इसको लेकर भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है।